हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू ऑल हैव अ गुड टाइम। एंड पता है मैं थोड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ, जो मुझे जानता है पहले से, बहुत बड़ा हो गया था लॉकडाउन के कारण, हटाने का मौका नहीं मिला तो पूरा हटा दिया। तो ये मेरा लॉकडाउन के बाद या कहे तो लॉकडाउन में पहला ब्लॉग है। और आज 26 जून 2020 है और आज मैं चेन्नई से कोलकाता ट्रेवल करने वाला हूँ फ्लाइट से स्पाइसजेट के साथ। सो आप सब लोगों को पता है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो आज मैं वही आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर फ्लाइट से कहीं जर्नी करे तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। मुझे भी सही से पता नहीं, मैं बहुत जगह से पता किया उसके बाद ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा डर डर सा है कि एयरपोर्ट में जाए उसके बाद पता चल ये नहीं है वो नहीं है, तो देखते हैं। तो जैसे बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने के लिए ई पास का जरूरत है कि नहीं, तो मैं भी ये पता किया तो पता चला कि चेन्नई से अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो ई पास का जरूरत नहीं, आपका जो बोर्डिंग पास है और एयर टिकट है वही इनफ है। लेकिन किसी और स्टेट से अगर आप चेन्नई में आ रहे हो तो आपको ई पास लगेगा। ये चेन्नई तमिलनाडु के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरे स्टेट के बारे में नहीं जानता हूँ क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है अभी। और पूरे इंडिया में जो है लॉकडाउन उठ गया है, मतलब लगभग सब कुछ अवेलेबल हो चुका है सिवाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, जैसे बस ट्रेन ये सब नहीं चल रहा है। लेकिन अगर चाहे कोई स्टेट तो खुद का लॉकडाउन कर सकता है, जैसे तमिलनाडु किया है। मतलब चेन्नई का जो कोरोना एक्टिव केस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, चेन्नई को 12 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया है, घोषित कर दिया है। तो 19 जून से 30 जून तक चलेगा। तो देखा जाए तो आज जो है वो लॉकडाउन के अंदर पड़ता है, तो थोड़ा ये भी डर था कि लॉकडाउन में मुझे कैब मिलेगा कि नहीं, कैसे पहुंचेंगे वो एयरपोर्ट। तो अब पता चला कि गवर्नमेंट अलाउ किया है, आप इमरजेंसी केसेस में कैब यूज कर सकते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट जाने के लिए कैब यूज कर सकते हैं, तो वो कैब मिल जाए आसानी से। तो मेरा जो फ्लाइट है वो 6:20 को है शाम को और अभी बच रहा है 2, तो मैं कोशिश करूंगा 2:30 बजे निकल जाने के लिए। थोड़ा हाथ में टाइम रख के निकल जाना अच्छा है जाके, ताकि मैं सेफली पहुंच जाऊँ, अगर बीच में कोई दिक्कत है तो मैनेज कर सकते हो। तो देखते हैं कैब कितने में मिल जाए, अगर वो लोग चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं दाम, तो पता नहीं, तो मिलने के बाद बताते हैं। तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, ओला बुक हो चुका है और मैं सेफ्टी के लिए मास्क जरूरी है, अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो मास्क इज एसेंशियल, नॉट ओनली फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो। तो दिस इज फर्स्ट सेफ्टी थिंग्स। सेकेंड इज ग्लव्स, मैं खरीद लिया तो ये भी जरूरी है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो ग्लव्स पहन लीजिए। और ओला में नॉर्मल अगर कैब बुक करने जाओ तो वो लोग बोल रहे हैं कि ई पास जरूरी है, ये बिना ई पास के पुलिस रोक दे रहा है बीच में। लेकिन मैं मुझे जो पता चला कि एयरपोर्ट जाने के लिए ई पास की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एयरपोर्ट का टिकट हो तो आप जा सकते हैं। तो पता नहीं, फिर मैं वो कैंसिल करके फिर से एक ओला ऑटो बुक किया, तो मेरा जो ओला ऑटो है वो पहुंच गया और मैं अभी पूरा तैयार हूँ, तो चलिए चलते हैं। लकीली ऑटो मिल गया था और ज्यादा लिया, लेकिन ठीक है 200 रुपये लिया हुआ था, टिकट टिकटा तो वाला में तो 200 रुपये लिया। वैसे भाई अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, तो थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ और यहाँ तक मुझे पता था कि ई पास जरूरी नहीं है, तो पहले वाले जो ओला था वो मुझे ये कहा कि ई पास चाहिए नहीं जाने देना है पुलिस, उसके बाद मैं वो कैंसिल करके ऑटो लिया, तो ऑटो वाला बोला कि ई पास का जरूरत नहीं है, आपके पास एयरपोर्ट का टिकट हो वही है ना पे। वेब चेकिंग के जरिए जो बोर्डिंग पास मिलेगा आपको, तो वो आपको प्रिंट आउट करके लेके आना है और वो प्रिंट आउट दिखाना है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि बोर्डिंग पास मुझे आज सुबह ही मिला और कहीं दुकान खुला नहीं था प्रिंट आउट के लिए, तो मैं बोर्डिंग पास प्रिंट आउट नहीं कर पाया। लेकिन बहुत लोग बोला कि बोर्डिंग पास अगर आपको फ़ोन में है तो भी चलेगा, तो ये फ़ोन में एक क्यू आर कोड रहता है उसको आप स्कैन करें तो चल सकता है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा जो लाइन सिक्योरिटी चेकिंग का जो लाइन है बाहर से अंदर जाने के लिए वो थोड़ा लंबा कर दिया है, पहले तो नॉर्मल था, अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा लंबा किया है। तो जाते हैं देखते हैं वो क्या 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 रूल्स रेगुलेशन लगा हुआ है, आपको बताते जाएंगे। थैंक यू। तो मैं जो हूँ एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ ऑलरेडी,
और तो मैं बता दूँ क्या क्या करना है और नहीं करना है. सो घुसने से पहले वो लोग आपका बोर्डिंग पास और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक करेगा. तो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो आपका फोन में रहना जरूरी है. अगर नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से बाहर से उसको डाउनलोड करके उसमें सेल्फ असेसमेंट करके करना होगा. उसके बाद अगर आपको सेफ दिखाए, ग्रीन टिक दिखाए, तभी आप अंदर जा सकते हैं. आप घर में भी ये कर सकते हैं और आके डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि या मेरा ग्रीन स्टेटस है ऐप में, तो वो आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा. आप बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आपका बोर्डिंग पास फोन में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरा बोर्डिंग पास फोन में था तो मैं दिखाया. और मैं नेचुरली दो केबिन बैग लेके ट्रैवल करता हूँ, तो इस बार भी मेरे पास दो केबिन बैग था. इसलिए जब मैं वेब चेकिंग किया तो उस टाइम मैं बैगेज का लेबल नहीं लिया. तो जब मैं यहाँ पे काउंटर में आया पूछने के लिए कि मेरे पास दो केबिन बैग है एंड मैं ऑलरेडी वेब चेकिंग कर चुका हूँ, तो वो लोग बोला कि इस सिचुएशन में अभी केबिन के लिए एक बैग ही अलाउ है. वो लोग एक बैग ले लिया मुझसे और वो बैगेज में डाल दिया. और उस काउंटर में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फिलअप करना पड़ेगा. उस फॉर्म में बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका नाम, डिटेल्स, कहाँ से कहाँ जा रहे हो. और कुछ क्वेश्चन है उसमें, ये सुनो मानना है कि आप जाने के लायक हो कि नहीं, आप सेफ हो कि नहीं, आप क्वारंटाइन से हो कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा. उससे आपको टिक मारना हो और उसको वहाँ भी सबमिट करना है. उसके बाद जाके आप नॉर्मल जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है, सिक्योरिटी चेकिंग करो. तो सिक्योरिटी चेकिंग में आपको बोर्डिंग पास जो है एक कैमरे के सामने दिखाना होगा, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी एक कैमरे के सामने दिखाना होगा. उसके बाद नॉर्मल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको सिक्योरिटी चेकिंग हो रहा है. तो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए ये लोग जो प्रिकॉशन लिया है वो है मीन्स सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एक बड़ा सा मेटल डिटेक्टर लिया है तो दूर से वो लोग सिक्योरिटी चेकिंग कर रहा है. तो अभी के लिए इतना ही. उसके बाद मैं आ गया, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है. तो एक गलती मैं कर दिया कि मैं वेब चेकिंग किया. सो वेब चेकिंग में फ्लाइट का गेट नंबर नहीं दिया जाता है, तो वो बोला है कि यहाँ पे काउंटर में आके कॉन्फर्म करने के लिए, और मैं वो भूल गया. तो अभी मेरे पीछे जो LED स्क्रीन दिख रहा है तो इस स्क्रीन में दिखाएगा मेरा फ्लाइट कौन सा गेट में देगा, तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे. अभी भी मेरा जो ऑटो ड्राइवर था उसका फ़ोन आया कि बोल रहा है कि भैया मुझे पुलिस ने पकड़ लिया. वो जब मुझे यहाँ से छोड़ के जा रहा था वापस, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया. और वो बोल रहा था कि मैं एक बंदे को एयरपोर्ट में ड्रॉप करके आ रहा हूँ, लेकिन पुलिस नहीं मान रहा. सो पुलिस बोल रहा है कि प्रूफ क्लियर है, तो अगर वो एयरपोर्ट से वापस जा रहा है किसी को छोड़ के तो ठीक है, उसको जाने देगा. लेकिन पुलिस उससे प्रूफ मांग रहा है. तो वो बंदा मुझे कॉल किया तो बोल रहा है कि आप पुलिस से बात करो, लेकिन पुलिस मुझसे बात नहीं कर रहा. तो मैं क्या किया, मेरा जो बोर्डिंग पास है उसका पिक्चर खींच के उसको व्हाट्सएप में सेंड कर दिया और पुलिस को दिखा के पुलिस उसे छोड़ दिया. तो थैंक गॉड. तो एक ख्याल रखिए, अगर किसी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको ऐसे मदद कीजिए, ठीक है? तो क्योंकि वो आपके भरोसे में यहाँ पे आ रहा है. सो यहाँ पे जब वापस जा रहा है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट और प्रूफ नहीं होता है कि वो एयरपोर्ट से वापस जा रहा है किसी को छोड़ के. तो आप प्लीज उसका मदद कीजिए. अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो आपको बोर्डिंग पास जो है उसको उसके साथ शेयर करिए. अगर आपको डर है तो आपका क्यू आर कोड जो है बोर्डिंग पास में दिक्कत है उसको हाइड कर दीजिए, उसके बाद शेयर करिए, ठीक है? प्लीज बट हेल्प कीजिए. थैंक यू. तो मैं टाइम में बैठ गए खराबी से दिखता है कि शुल्क की वजह से स्पाइसजेट का एक सेफ्टी की प्रोडक्ट है पैसेंजर के लिए, जिसमें फेस शील्ड आता है, एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क आता है, ये वाला नहीं है खुद का मेरा, और कुछ पैसे आता है हैंड सैनिटाइजर का, तो मैं बैग में रख दिया अभी के लिए. और जो जो पैसेंजर बीच वाले सीट में है, तीनों का सीट जो पैसेंजर बीच में है, उसको ऐसे ग्राउंड टाइप का पीपीई टाइप का दिया गया है, तो ये अच्छा है. मैं बाकी एयरलाइंस को भी देखा, जैसे इंडिगो को भी देखा, वैसे वो भी ऐसा शील्ड प्रोवाइड कर रहा है पैसेंजर को, पानी का बॉटल प्रोवाइड कर रहा है बोर्ड होने से पहले. सो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो अगले दिन का है. तो मैं कल रात ही घर पहुंच गया था, कल रात बहुत लेट घर पहुंचा. उसके बाद खुद को फ्रेश किया, खाया, बहुत भूख लगा था इसलिए लेट हो गया, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. तो जो एंडिंग पार्ट है वो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ.
और मेरा जो होल एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का स्पाइसजेट के साथ बहुत ही अच्छा था। स्पाइसजेट बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पैसेंजर का सेफ्टी का ख्याल रखा। तो एज यू ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्पाइसजेट एक सेफ्टी किट गया था, उसमें एक फेस शील्ड था, एक मास्क था और कुछ हैंड सैनिटाइजर का सेसेस था, तो ये बहुत बढ़िया था। और जो जो लोग बीच में बैठे हैं उन लोगों को एक पीपीएम किट दिया था पहनने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। दूसरे एयरलाइंस के बारे में मुझे उतना पता नहीं, लेकिन मैं इंडिगो के देखा, इंडिगो भी ऐसा कुछ सेफ्टी किट शेयर कर रहा था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि मैं जब बोर्ड कर रहा था चेन्नई से, तो मुझे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला। तो इस फॉर्म बेसिकली कुछ नहीं है, आपका बेसिक डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ अराइवल, अराइविंग फ्रॉम, ऐसा डालना है और कुछ लिखा हुआ है लाइक आई हैव नॉट टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव इन लास्ट टू मंथ्स, ऐसा बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है, इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए। तो बेसिकली ये चेक होना था जब आप जिस एयरपोर्ट में अराइव करते हो, तो अराइवल एयरपोर्ट में ये चेक होना था, लेकिन ये कहीं पे चेक नहीं हुआ और मेरे पास पेन नहीं था, मैं इसलिए फिलअप भी नहीं कर पाया। तो आई थिंक ये चेक होना चाहिए। और एक छोटा सा बात, लाइक स्पाइसजेट जो सेफ्टी किट दिया था उसमें मेरे हिसाब से उसमें एक ग्लास भी होना जरूरी था, तो वो अगर होता तो आई थिंक सेफ्टी का सर्कल जो है पूरा होता। तो अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड, राइट, जर्नी बहुत कंफर्टेबल था, फ्लाइट ऑन टाइम था, सो एवरीथिंग इज गुड। अगर आप इस सिचुएशन में किसी स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करना चाहते हो, तो एक बार स्टेट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देख लेना। किसी किसी स्टेट में यू पास रिक्वायरमेंट है, अगर किसी स्टेट में ज्यादा, जैसे मैं अगर मेरे हिसाब से, मैं जितना मुझे पता है, मैं अगर वेस्ट बंगाल से चेन्नई ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो ई पास जरूरी है, क्योंकि चेन्नई में ई पास मैंडेटरी है। तो ऐसा देख लेना, और बाकी सब नॉर्मली हैसल फ्री ट्रेवल है एयरलाइन वालों के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो ए लाइक, एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और लेट्स सी आगे क्या होता है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट, होप फॉर द बेस्ट।